साइबर अटैक आज के दौर में बेहद गंभीर समस्या है और सबसे ताजा मामला एम्स का आया है। एम्स ने अपने ट्विटर हैंडल से कल एक ट्वीट किया है जिसमें जानकारी दी है कि उनका जो सिस्टम है वो हैक कर लिया गया है। इसके खिलाफ लगातार सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है और इस वक्त हमारे साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जुड़ रहे हैं पवन चौधरी, जो कि हमें बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। लगातार इनकी पूरी टीम इस पूरे मैटर पर रिसर्च करती रही है और तमाम जानकारियां भी इनके पास है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सरकार को इस पर और क्या कदम उठाने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान तमाम यूजर्स को भी रखना चाहिए। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि ये जो साइबर अटैक लगातार होते रहते हैं उसके ऊपर काम कर रहा है, तमाम रिसर्च भी आप लोगों ने इस पर की है। अभी ताज़ा मामला सर, कल एम्स ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो साइबर अटैक है उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया था। आप सर इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक पूरी मेडिकल जानकारी एम्स, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और देश भर से जो मरीज हैं वो वहाँ पर आते हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है, सिस्टम पे उनकी जो हार्ट बीट है, उनकी जो पल्स है, उसकी तमाम जानकारियाँ वो सिस्टम पर जाती हैं, तो ये जो हाईजैकिंग हो जाती है या साइबर अटैक बेसिकली जो होता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है। हॉस्पिटल पर जब साइबर अटैक होता है तो वो हॉस्पिटल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर सकता है। ऑफ़ कोर्स वो ये जो डेटा आप बता रहे हैं वो भी ले जा सकता है, जो उपकरण पेशेंट्स की बॉडी में लगे हुए हैं उनको, उनके साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। सो खतरा बहुत गंभीर है, और ये खतरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये खतरा सारे विश्व में फैल रहा है। इंडिया भी नंबर टू मोस्ट टारगेटेड कंट्री है, नंबर वन है यूएसए, नंबर टू है इंडिया। सो खतरा बहुत बड़ा है, संगीन है, और इसके बारे में हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज़ को सचेत करते आए हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का विलय हो गया है। आज सिर्फ जो सरहद पे सैनिक खड़ा है वो ही सिटीजन को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तार चारों तरफ भी किलाबंदी करनी पड़ेगी, साइबर सैनिक तैनात करने पड़ेंगे जिससे वहां से घुसपैठिए ना घुसाए। सर, अभी तक आपको भी जानकारी होगी कि एम्स का इससे पहले भी जो डाटा है वो हैक हुआ है, इस और आईसीएमआर की जो वेबसाइट है उसके बारे में भी जानकारी है कि करीब 6000 बार इस तरह की हाईजैकिंग या इस तरह की साइबर अटैक हो चुका है। Yes, ये 6000 बार क्यों होता है या सारे विश्व में इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे माफिया था पहले, आज एक डिजिटल माफिया बन गया है। डिजिटल माफिया में साइबर गैंग्स हैं, और कुछ साइबर गैंग्स इवन सपोर्टेड हैं बाय द गवर्नमेंट। सो ये कोई अमेच्योर हॉबीस्ट या हैकर नहीं रहे, वो भी है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हो गया है डिजिटल क्राइम, इसीलिए ये इतना बढ़ रहा है। 6000 बार करना अटैक, कुछ उसके लिए बहुत संसाधन चाहिए। सो वो सारी चीज़ों के कारण ये और बढ़ रहा है, और अभी ये और फैलेगा। और हमारी एसोसिएशन में वो कंपनीज मेंबर्स हैं जो खुद भी इन उभरती हुई सरहदों पर काम कर रही हैं। सो वहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये साइबर गैंग्स, हैकर्स वगैरह, वहाँ पर प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारी कंपनीज के साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी मैनेजर्स। वो ये लोग गोलियाँ और बारूद बना रहे हैं, और हमारे अनुसंधानकर्ता ढाले बना रहे हैं। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या क्या चीज़ें इस तरह से जो साइबर अटैक के द्वारा उनको हैक किया जा सकता है। इट कैन बी अ मोबाइल, इट कैन बी अ स्मार्ट वॉच, इट कैन बी अ पल्स मशीन,
इट कैन बी एनीथिंग, क्या क्या चीजें जो हैं वो हैक की जा सकती हैं और उसका नुकसान किस लेवल तक का हो सकता है? सो इट कैन बी अ पल्स ऑक्सीमीटर, इट कैन बी अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो होता है हमारा घर पे, इट कैन बी एज यू सेड वेयरेबल्स, इट कैन बी अ वेंटिलेटर, मतलब इट कैन बी अ सी आर्म, इट कैन बी वेंटिलेटर को भी, मतलब जिस पे पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है उस मशीन को भी हैक किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है और जानलेवा हो सकता है उस मरीज के लिए? बिल्कुल, इवन आपके रेडियोलॉजी इक्विपमेंट्स, कैट स्कैन, एमआरआई, सबको हैक किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते आ रहे हैं कि बहुत बड़ी संभावना है कि आपके शत्रु देश जो प्रोडक्ट यहाँ पर भेजते हैं या जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें मालवेयर्स डाल सकते हैं। वो मालवेयर्स सोते हुए मालवेयर हो सकते हैं जिनको वो जब चाहे जगा सकते हैं। इसीलिए उन देशों से इम्पोर्ट करना चाहिए हमें, उन देशों के साथ ट्रेड करना चाहिए जिनसे हमारी फ्रेंड शोरिंग है, जिनसे हमारी ट्रस्टफुल रिलेशनशिप्स हैं। बाजार में बहुत ज़्यादा चाइना का सामान है, ज़्यादातर मेडिकल का सामान अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा चाइना का इक्विपमेंट जो है, मेडिकली जो है, वो इस वक्त बाजार में उपलब्ध है। तो आप सर ये कहना चाहते हैं कि चाइना में बैठी हुई कोई कंपनी या चाइना में बैठा हुआ कोई हैकर, मान लीजिए किसी को पेसमेकर लगा है या किसी को जो कोई किसी तरीके से हॉस्पिटलाइज्ड है और वो वेंटिलेटर पे है, तो वो सारी मशीनों को वो हैक करके ऑपरेट कर सकता है, जान भी ले सकता है मरीज की, कुछ भी कर सकता है? इसकी संभावना जरूर है, और ये संभावना इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, मेडिकल टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है, इनका इनके सारे जो थिंकर्स हैं इनको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिड को भी इसी तरह से हैक किया जाता है, और आने वाले टाइम में जो ग्रिड्स होंगी वो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रिड्स बनेंगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनका बहुत जल्दी से जल्दी गोष्ठियाँ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये तीनों साथ चलें। इसके बारे में हाईएस्ट ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उनको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सारी गवर्नमेंट को ये जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए कि ये क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इनके लिए हम कैसे वैक्सीनेट कर सकते हैं अपने आप को। सर इस ये एक बहुत बड़ी नेशनल थ्रेट है जैसा कि आप बता रहे हैं। इस आपके पास सर कोई पुराना एग्जांपल है किसी कंट्री का जहां पर इस तरह के से साइबर अटैक करने के बाद बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? सेंट जूड करके एक कंपनी है, उनके जो पेसमेकर्स थे वो हैक कर दिए गए थे। रियूक करके एक साइबर गैंग है जो हैकिंग करता है मेडिकल में। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या करना चाहिए सर हमें इसकी, इससे बचने के लिए? जैसे कर मैंने आपको बताया कि एम्स के ऊपर इस तरह का एक साइबर अटैक की खबर है, तो सर अब ऐसे में क्या करना चाहिए इससे, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हमारी तैयारी हो सकती है? इसकी तैयारी के लिए हमें लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए, सबसे पहले कि लॉज बनने चाहिए। ऑलरेडी CDSCO ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सारे सॉफ्टवेयर्स भी मेडिकल डिवाइस हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ये तो हुआ लेजिस्लेटिव एक्शन या पॉलिसी लेवल एक्शन। दूसरा, ये जो तीनों मैंने सेक्टर बताए, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल्स, इनमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनमें जो थिंकर्स हैं, उनको गवर्नमेंट को अपने साथ लाना चाहिए एक ही मंच पर, जिससे आदान प्रदान होए और ये पता चले कि गोली इन दिशाओं से भी आ सकती है और इन दिशाओं में किस तरह से हम अपनी ढाल बनाएंगे, ये दूसरा। तीसरा, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये समझाना चाहिए कि आपका काम सिर्फ मेडिकल डिवाइस को ऑपरेट करना नहीं है, इसको सुरक्षित रखना भी आपका काम है। और जो IoT का यूज़ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके कारण पूरी सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, जब भी वो IoT इस
मेडिकल डिवाइस से जुड़ती है या उसमें आती है, तो उसको अच्छी तरह से हमें सिक्योर्ड आईओटी प्लेटफॉर्म्स लाने चाहिए और ऐसी बैटरीज बनानी चाहिए जिससे मेडिकल डिवाइस जो कई बार बहुत छोटी होती है उसमें भी वो सिक्योरिटी अपैरेटस डाला जा सके। तो सिक्योरिटी अपैरेटस की साइज़ छोटा करना पड़ेगा और बैटरी की पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी अपैरेटस को भी हैंडल कर ले। तो सर वो एक हार्डवेयर डिस्क भी हो सकती है, वो एक सॉफ्टवेयर डिवाइस, वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है प्रिवेंट करने के लिए हैकिंग से। हाँ, इस तरह की फायरवॉल्स भी हैं जिसको कहते हैं हम फायरवॉल्स। फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर है। एक इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी आता है, ये सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। बट ये सॉफ्टवेयर सब चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए हमें बैटरी चाहिए। बैटरी क्योंकि छोटी होनी चाहिए, उस छोटी बैटरी में इतनी ऊर्जा डालनी है हमें कि वो चला सके इसको। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पवन चौधरी, जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और जिन्होंने साफ तौर पे हमें बताया कि हैकिंग किस लेवल तक हो सकती है और हो भी रही है, और इससे प्रिवेंट करने के या इससे बचाव के कुछ तरीके हैं, अगर उन्हें जल्द से जल्द अपना लिया जाए तो वो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा। और ये तमाम जो हैकिंग हो रही है ये एक नेशनल थ्रेट है और इस पर काम करना बहुत जल्दी बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ अंजू निर्वाण, TV9।